वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुचि वर्धन मिश्र द्वारा स्पा सेंटर के आव में चल रहे देह व्यापार कराने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी आदेशों के बाद इंदौर पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की टीम का गठन कर संचालकों को धरपकड़ के आदेश दिए गए। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस कड़ी में सूचना के आधार पर भवरकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित क्वींस ब्यूटी स्पा सेंटर में मसाज पार्लर के आव में चल रहे देह व्यापार कराने वालों का खुलासा किया। आपको बता दें कि ये स्पा सेंटर कल्पना हाडिया नाम की एक महिला संचालित करती थी। उसने पूछताछ में बताया कि एक माह पूर्व ही स्पा सेंटर खोला था और स्पा की आड़ में अनैतिक देह व्यापार का कार्य कर रही थी। उसने मोहल्ले की अन्य महिलाओं को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। वह पूर्व में मेक स्पा पार्लर में काम करती थी, वहीं से उसने ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए खुद का स्पा सेंटर चालू कर अनैतिक गतिविधियां शुरू कर दी। उसने बताया कि वह मोबाइल पर लड़कियों के आकर्षक फोटो भेजकर ग्राहकों को स्पा सेंटर बुलाती थी। इस तरह का ये स्पा सेंटर चल रहा है। आज सूचना मिली थी, इसमें से खंडवा रोड पे एक क्वींस नाम का स्पा कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, उसमें देह व्यापार करने की सूचना पे आज वहाँ भवर पर पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। उसमें वहाँ पर 5 महिलाएँ और 5 पुरुष पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा, जांच की जा रही है। सर, किस तरह का गौरव धंधा चल रहा था वहाँ पर? ये भाई कुछ निश्चित राशि करके और सेक्स करने के लिए वहाँ लड़कों को बताया। ये अलग अलग 500,000 रुपये सेक्स। कितने लड़के लड़कियाँ बताए? 5 लड़के और 5 लड़कियाँ। लड़के हैं दीपक महादेव नगर का है, ईश्वर है एरोड्रम क्षेत्र का, दीपक है एरोड्रम रोड के, सतीश है गणेश मेलर का और राजेंद्र हाथोद का। सभी इंदौर के हैं सर? सभी इंदौर के हैं सर। स्पा संचालक सही तो 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। संचालक का क्या नाम है? महिला है सर। इसमें ग्राहकों को कैसे बुलाया था, व्हाट्सएप फेसबुक या किस तरह का? ये स्पा का पेपरों में भी एड्रेस छपा है, उसके आधार पर भी लड़के वहाँ फोन नंबर से संपर्क करके पूछे थे। ठीक है।